इस साइड देखेंगे तो दोस्तों, और यहाँ पे ज्ञान कथा कब से होगा? ये 7 तारीख से 13 तारीख तक मुख्य व्यासपीठ बनेगा जहाँ से गुरुदेव अपने 20 से 25 दिन हो गया जो यहाँ से जन आएंगे, जैसे जो लोग आएंगे सीमा पुराण कथा को सुनने के लिए जी। इधर कैसे भैया जो भक्त जन आएंगे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? जैसे तो अभी मैं खड़ा हूँ दुर्ग धमधमा रोड में, इधर आप देखेंगे तो ये वाला जो रास्ता है वो दुर्ग जाता है, और इधर देखेंगे तो ये वाला जो रास्ता है वो धमधा भीमित्र जाता है, और यहीं से मैं कोड़िया गांव होके आया, तो मैं कोड़िया गांव में पहुंच चुका हूं। और दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा दूर में देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे बैनर पोस्टर दिख रहा है, तो वहीं से अपन दाहिने मुड़ के जहाँ पे कथा स्थल है वहाँ पे जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही आप इस वाले रास्ते में आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर भी पार्किंग वार्किंग और कुछ कुछ चीज़ों के लिए पंडाल बने रहे, देख सकते हैं आप लोग। तो हमको कथा स्थल में जाना है, कथा स्थल सीधा सीधा जाना है, आगे में बढ़ रहा है वो कथा स्थल है। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं आया हूँ दुर्ग जिला के कोड़िया गाँव, जहाँ पे श्री महापुराण कथा 7 से 13 अक्टूबर तक होने वाला है। दोस्तों की तैयारी को लेकर आयोजक समिति से बात करेंगे, क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पे की गई, कितने प्रकार के डोम, कितने प्रकार के पंडाल लगाया जा रहा है, तो चलो आयोजक समिति से मिलते हैं। साथ ही साथ भक्तजनों के लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था है कि नहीं है, भक्तजन यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, भंडारे वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, पूरा जानकारी अप टू डेट आपको अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो मेरे चैनल में पहली बार आऊँगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों और क्या क्या यहाँ पर काम चल रहा है आपको दिखाते हैं। सीमा पुराण कथा होगा 7 से 13 अक्टूबर तक, पहले 2 अक्टूबर से स्टार्ट होना था, किंतु किसी वजह से जो डेट में बदलाव किया गया है, और अभी का जो वर्तमान में शिव महापुराण कथा होना है 7 से 13 अक्टूबर का डेट है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही जोरों शोरों से इस पंडाल को और डोम को तैयार किया जा रहा है, बहुत सारे मजदूर यहां पे लगे हुए हैं, लगभग 15-20 दिनों से काम चल रहा है। तो चलो आयोजक समिति के कुछ यहाँ पे समिति के सदस्य मिलते तो उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या तैयारी की गई है, साथ ही साथ भक्तजनों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, भक्तजन कैसे पहुंच पाएंगे यहां तक। और इस वाले डोम में देख सकते हैं पंखे वगैरह पूरा लगा हुआ है। गुरुदेव है और पंडित प्रदीप मिश्र का कथा कैसे लगते आप मल्ल? ठीक लगते, ठीक लगते हो? कभी कोनो जगह गए हो? टीवी पर में देखे ना हमने। अच्छा ये कोरिया गाँव में मतलब पहली बार है? अच्छा एक पहले जैसे बालोद रायपुर बड़ौदा बाजार नहीं गए? अच्छा आप मन ही क्या हो? हाँ। अच्छा रुक से आएगा जी, यहाँ उतरेगा रोड में। हाँ और नंदीमन से रायपुर से आएगा तो नंदीमन से उतरेगा। अच्छा वो बस देख सकते हैं दोस्तों नीचे में कुछ इस तरीके से कारपेट बिछाएंगे लग रहा है, और ऊपर में बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है, कपड़े लगा है और साथ ही साथ पंखे वगैरह भी बढ़िया लगा हुआ है, और जो काम है अभी भी चल रहा है। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ डोम बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग आए हुए। चलो बात करते हैं फिर इन लोग से। कौन से गांव के हो तुम? यहीं के? कहाँ देखे लाए हो? बना तेला। अच्छा और कैसे लगते गुरुदेव के है कथा उथा सुने हो? नहीं सुने हो? पहली बार सुना हूँ। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हैं दुर्ग जिला के ग्राम कुड़िया में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे जो सीमा पुराण कथा होंगे 7 तारीख से, उनके तैयारियों के संबंध में आए हुए हैं। तो यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं आयोजक समिति से, चलो उनसे पूछते हैं। भैया यहाँ पे सीमा पुराण कथा कब से होगा? ये 7 तारीख से 13 तारीख तक। अच्छा इनका जो कथा का डेट था पहले पहले था पहले क्या? 2 से 8 था जी, बाद सीहोर से इस तारीख को जी 7 से 13 किया गया है जी। और भैया देख रहे हैं पूरा युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम चल रहा है, एक काम है लगभग कितने दिन से वर्कर लोग कर रहे हैं यहाँ पे? ये लगभग 20 से 25 दिन हो गया जो यहाँ तैयारी चल रही है जी, और आने वाला 5-7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी। और यहाँ पे कितने डोम कितने पंडाल लगभग बन रहे हैं? यहाँ 3 बड़े बड़े डोम बन रहे हैं, लगभग 200 मीटर के हैं जी, और उसके बाद ये लगभग 24 एकड़ का जो पूरा जमीन है इसको टेंट लगा के पूरा ढका जाएगा, कवर किया जाएगा। बहुत ही बड़े क्षेत्र है और खुला मैदान है, मतलब लगभग कितने लोग आने की? हम लोग यहाँ 20 लाख लोगों का यहाँ हम लोग का टेंट का जो व्यवस्था कर रहे हैं जी, और उसके बाद भोले बाबा की कृपा जितने लोग आ सके हम लोग पूरा कोशिश में लगे हैं कि सभी लोगों को
बेहतर सुविधा प्रदान कर सके ऐसे करके। जी भैया, जो भक्त जन आएंगे, जैसे जो लोग आएंगे सीमा पुराण कथा को सुनने के लिए, इधर कैसे पहुंचेंगे इस स्थान पे? इस स्थान पे जैसे आप दुर्ग से आओगे, दुर्ग साइड से, तो वहाँ से बस की सुविधा है। आप धमदा साइड से आओगे, उस साइड से भी बस की सुविधा है। कोड़िया एकदम मेन रोड है, यहाँ से जो कथा स्थल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर के डिफरेंस में है, और पैदल यहाँ से आराम से आ जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। और कोड़िया एकदम मेन रोड में है, तो इसमें इस प्रकार का है कि ज़्यादा ढूंढने वाला जो गांव है नहीं, अंदर में नहीं है। जी जी। आप मेन रोड में आराम से आ सकते हो, और वहाँ से कथा स्थल तक बहुत आसानी से पैदल यात्रा, पैदल अपन 300-400 मीटर का डिफरेंस होगा मेन रोड से, आराम से आ सकते हैं। भैया, जो यहाँ पे आयोजन करा रहे हैं, कोई समिति है, कोई मतलब कोई व्यक्ति है, किसके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है? प्रदीप कुमार साहू जी हैं हमारे, और काशीनाथ साहू जी हैं जो मेन है, जो मेन जी, साथ ही साथ सब पूरा गांव वासी, पूरा समस्त गांव वासी है, और जितने भी शिव भक्त हैं सब मिलजुल के एक साथ कथा करा रहे हैं। जी भैया, जो भक्त जन आएंगे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? जैसे आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है, भोजन उजन भंडारे की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं। सभी प्रकार का व्यवस्था पूरा किया जाएगा, अभी व्यवस्था सब चल रहा है तैयारी का। रुकने के लिए पंडाल में रुकने की व्यवस्था है, और जस्ट लगा हुआ भोजन भंडारा है, जो लगभग सुबह शाम सब समय भक्त लोग को भोजन का जो व्यवस्था है वो उन लोगों को मिलेगा। जी नहाने धोने का भी इधर पास में व्यवस्था है, शौचालय का सब व्यवस्था है, भक्त लोग बिल्कुल सब कोई आएंगे और कथा का भरपूर आनंद ले पाएंगे। जी भैया, ये YouTube वीडियो जो हमारे दर्शक, जो हमारे भक्तगण देखेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि आप लोग जब आएंगे कथा सुनने के लिए, तो अपने साथ जितने आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं, वो लोग सभी लोगों को आइए, भोलेनाथ का कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए, और हमारे व्यवस्थाओं को भी आप लोग अच्छे सुचारू ढंग से चलाने में हमारी मदद कीजिए, यही है कामना हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देख सकते हैं दोस्तों, दुर्ग जिले के ग्राम कोड़िया की पावन धरा पे श्री महापुराण कथा होने वाला है, और पूज्य पंडित गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आने वाले हैं। उनका जो कथा है 7 से 13 अक्टूबर तक होने वाला है, और मुख्य जो गुरुदेव का जो व्यासपीठ बनेगा, ये वाला व्यासपीठ बनेगा, जहाँ पे गुरुदेव बैठ के सभी भक्त जनों को श्री सीमा प्राण कथा का रसपान कराएंगे। और देख सकते बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये पूरा डोम और पंडाल बनाया जा रहा है। ये वाला डोम लगभग पूरा तैयार हो चुका है, वो वाला डोम भी बन ही रहा है, और ये बीच वाला जगह खाली है, यहाँ पर भी डोम बनाने वाला है, और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, पूरा गांव ग्राम कोड़िया के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और जो आयोजक समिति पूरा युद्ध स्तर पे इसको करवा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन शेष है शिव महापुराण कथा को होने में। तो आप सभी भक्त जनों को, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप इस शिव महापुराण कथा स्थल पर आना चाहते हैं, तो आप बस के माध्यम से आ सकते हैं। दुर्ग धमधवाला रोड में ग्राम कोड़िया गांव है, जो कि मेन रोड में है, और जहाँ पे आप उतरेंगे उनसे आने का कोई माध्यम ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपको आना होगा तो आप अपने व्यक्तिगत जो भी मोटर गाड़ियाँ होंगी या फिर जो बस होंगे उनसे आएंगे। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। उधर देखेंगे तो अभी भी काम यहाँ पे जोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा के लिए लाते रहूं। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े डोम बनाया जा रहा है, उधर भी पंडाल के लिए छोटे छोटे टेंट गड़ाए जा रहे हैं। इधर देखेंगे तो ये भी एक डोम बनाया जा रहा है।